हेलो एवरीवन। जनरली मैंने अपने इंजीनियरिंग करियर में अराउंड 8 रिसर्च पेपर्स हमने पब्लिश किए हैं, और उस 8 रिसर्च पेपर में से सबसे बेस्ट जो हमारा एक वर्क था वो ये बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन वर्क था। तो इस मेथड को मैं इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये मेथड एक्चुअली में था क्या, और इससे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग बातों को भी मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले ये जो मेथड है, जब हम लोग इस मेथड को जब हमने खोजा तो उसके पहले हम क्या कर रहे थे, उसके पहले हम लोग प्राइम नंबर्स पे वर्क कर रहे थे। हमारी जो टीम थी, हमारे 4 मेंबर्स थे, मैथमेटिक्स क्लब प्रैक्टिक्स जो कि मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में है, तो हमारी टीम का जो सबसे बड़ा वर्क था वो ये था कि हम वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्राइम नंबर हम लोग खोजें। तो उसके लिए हम लोग ने एक दिन डिसाइड किया एक रूम में बैठने के लिए कि हम लोग एक दिन बैठेंगे। वैसे वर्क तो बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन बहुत ही सेटिस्फाइड वर्क नहीं हो रहा था, क्योंकि हम लोग चारों जो दोस्त थे हम लोग इधर उधर रहकर वर्क करते थे, एक साथ वर्क नहीं कर पाते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक साथ बैठकर इस पे कुछ सोचा जाए। तो हमने एक दिन बैठा, और उस दिन हमने ये डिसाइड किया था कि जब तक हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को खोजेंगे नहीं, तब तक हम इस रूम को छोड़कर नहीं जाएंगे। हम उस रूम में बंद रहेंगे, कुछ खाएंगे नहीं, और हमने खाने के लिए थोड़े से अंगूर खरीदे थे, और अराउंड 18 आवर्स तक हम उस रूम में बंद रहे। तब जाकर हमें कुछ नया वहां पर मिला। हमें ये नहीं पता था कि मैं प्राइम नंबर पे वर्क करते करते मैं बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन एक नया मेथड ढूंढ लूंगा, ये बिल्कुल भी मुझे नहीं पता था। लेकिन ऐसा हो गया, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे बाइनरी टू कन्वर्जन, मतलब हमारी टीम को बाइनरी टू कन्वर्जन हमें पता था। अगर वो हमें पता नहीं रहता तो हम ये वर्क नहीं कर पाते। और सब एक और बात आखिरी में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मैंने ये मेथड, हम सब ने ये मेथड कैसे फाइंड किया, ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये वो हमारे लिए एक रिसर्च का वर्क है, उस पर हम लोग अभी भी वर्क कर रहे हैं, तो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, उस मेथड से, उस जो थ्योरी हमने डेवलप किया था प्राइम नंबर को समझने के लिए, उससे हमने कैसे बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन हमने किया, ये मैं आपको जरूर सब कुछ यहाँ बता दूंगा। तो सबसे पहले हम टीम मेंबर्स का हम लोग नाम बता देते हैं। पुष्पक जायसवाल यानी मैं, 2011 बैच एडमिशन था हमारा। प्रफुल्ल सखाई 2012 बैच, गणेश कटारे 2013, श्रेयस 2013 बैच। मैं कंप्यूटर साइंस, जनरली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कर रहा था। प्रफुल्ल सकाई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, गणेश कटारे भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एंड सीरियस इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपली, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, जनरली हमारा ये एक हमारा बाइनरी नंबर है, इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए नॉर्मल मेथड हमारे क्या है, इस डिजिट को हम लोग 2 का पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे 2 का पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे 2 का पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, 2 का पावर 7, और जो भी होता है हम सभी ऐड कर देते हैं। तो 0 इंटू 2 का पावर 0, 0, 0 इंटू 2 का पावर 1, 0, 1 इंटू 2 का पावर 2, 4, 0 इंटू 2 का पावर 3, 8, विच इज 0, 1 इंटू 2 का पावर 4, 16, 1 इंटू 2 का पावर 5, 32, 0 into 2 का पावर 6, 0, and 1 into 2 का पावर 7, 128, और सभी को मैट कर दिए तो 180। इसका मतलब ये हो गया, ये जो बाइनरी नंबर है इसका डेसिमल जो होगा 180 होगा। ये हमारा नॉर्मल मेथड है। अब हम आते हैं उस न्यू मेथड पे जो हमने ये खोजा था। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें डिजिट काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इवन डिजिट्स हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर और डिजिट होता तो इसके पहले जो मैं क्या करता, एक जीरो लगा देता, ठीक है, मतलब सभी को इवन डिजिट में बना देना है। जैसे 1, 1, 1 का हमें बाइनरी खोजना है तो इसमें 3 डिजिट है, और डिजिट है तो इसके पहले हम एक जीरो लगा देंगे, तो ये इवन बन जाएगा। इवन भी हम क्यों बनाते हैं ये भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। अब हमें क्या करना है कि इसे सेपरेट करना है, इस नंबर को 2 पार्ट में इसे तोड़ना है।
इसके दो बीट को हमें इधर ले जाने हैं और बाकी को इधर सेपरेट कर देना है, 10 11 0 1। अब वापस क्या करना है, इसमें से हमें इसके दो बिट जो है वो इधर ले जाने हैं और बाकी को इधर ले जाना है, 1 0 1, और फिर बाकी को इधर लाने हैं, बाकी दो को 1 एंड 1, एंड इसे लाने इधर 1 0। तो ये जो हमने सेपरेट किया है, तो आप देखेंगे ये वाला, ये एंड ये चारों मिलकर ये टोटल बाइनरी नंबर बन जा रहा है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इस मेथड को करने के लिए कुछ चीजें हमें याद रहना चाहिए। वो है 00 का बाइनरी जो होता है, बाइनरी जो 00 होता है इसका डेसिमल 0 होता है, 01 बाइनरी का डेसिमल 1 होता है, 10 का डेसिमल 2 होता है, एंड 11 का डेसिमल 3 होता है। तो हमें क्या करना है, इसका हमें डेसिमल खोजना है, 10 का डेसिमल 2, इसका डेसिमल हो गया 2, तो इस 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो ये क्या हो जाएगा 8। और ये जो सामने वाला है 11, जिसका बाइनरी जिसका डेसिमल 3 होगा, इस 3 को 8 से ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 11। और आप जब देखेंगे तो 11 का डेसिमल यही होता है, सॉरी 11 का बाइनरी ये होता है। ओके, तो ये बन गया हमारा 11। अब इस 11 को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो ये बन जाएगा हमारा 44। और 44 में 01 का डेसिमल कितना होता है 1, तो हम ऐड कर देंगे 1, तो बन जाएगा 45। आप चेक करेंगे ये जो बाइनरी है इसका डेसिमल 45 होता है। और 45 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो वो बन जाएगा हमारा 180। और सामने 00 का डेसिमल 0 होता है, तो 180 प्लस 0 180, और ये बन जाएगा हमारा 180। सो ये जो हमारा बाइनरी है इसका डेसिमल हमने इस मेथड से फाइंड कर लिया 180, जो कि पहले वाले मेथड से बहुत ही अलग था। अब हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्या माइंड में था, ये सब रहने दीजिए। अगर आपको ये मेथड पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के बीच इससे शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।